नमस्ते सभी को। अभी हम लोग लेक्चर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने मानव को मैं और शरीर के रूप में सह अस्तित्व के रूप में समझने का प्रयास किया था। मानव की आवश्यकता को अगर देखें तो दो तरह की आवश्यकता दिखाई देती है, मैं की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता। इसको लेकर कल कुछ और चर्चाएं भी हुई थी और आगे देखते हैं तो दिखता है कि मैं की क्रियाएं और शरीर की क्रियाएं अलग अलग प्रकार से है, मैं का रिस्पांस और शरीर का रिस्पांस अलग अलग प्रकार से है। इतनी बातों को ध्यान में रखकर कल हम लोगों ने चर्चा की थी और उससे बहुत सारे और मुद्दे निकल कर आए थे। कल कुछ असाइनमेंट भी लिया था हमने, उस असाइनमेंट को लेकर या ये जो सामने स्लाइड है इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में आती है कि अगर मानव की बात करनी हो तो मैं और शरीर इन दोनों की बात करनी होगी। अगर मानव की आवश्यकता की बात करनी हो तो मैं की आवश्यकता अलग प्रकार से दिखाई देती है, शरीर की आवश्यकता अलग प्रकार से दिखाई देती है, दोनों को पूरा करने का कार्यक्रम अलग प्रकार से दिखाई देता है। देखता कि मेरी जो भी आवश्यकता है निरंतर है, गुणात्मक है, सही समझ सही भाव से पूरी होती है। शरीर की जो भी आवश्यकता है वो मात्रात्मक है, सामयिक है और भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। आमतौर पर जीने में जो चूक होती है वो ये होती है कि हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। अपनी आवश्यकता को हम जब सुविधाओं से पूरा करने जाते हैं तो पूरा होता नहीं है और हमें कुचक्र में चले जाते हैं, क्योंकि मेरी आवश्यकता तो निरंतर है, सुविधाएं जब भी होंगी सीमित होंगी, सामयिक होंगी, तो सीमित सामयिक सुविधाएं जो है मैं की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाती और फिर ऐसा लगता है कि ये तो आवश्यकता अनंत है ना, और फिर हमें कुछ चक्र फंस जाते हैं क्योंकि हमको अनंत सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरे समय शोषण है ना, संग्रह उसमें जाना पड़ता है। तो ये बात हमको अगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्रियाओं को देखें तो देखिएगा कि शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी सामयिक है, जैसे चलना फिरना, खाना पीना, और बारीकी से देखें तो सांस चलना, हृदय धड़कना, ये सब भी दिखाई देगा कि सामयिक है, रुक रुक कर हो रही है। सांस चल रही है परंतु एक बार मैं सांस लेता हूँ, एक बार मैं सांस छोड़ता हूँ, न तो सांस का लेना निरंतर है न तो सांस का छोड़ना निरंतर है। हृदय धड़कता है परंतु हृदय एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है। हमारे आर्टरीज और वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बट वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं आर्टरीज और वेन्स ही नहीं, और उनमें भी आप देखेंगे तो ना तो कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस है ना एक्सपेंशन कंटिन्यूअस है, ना तो संकुचन कंटिन्यूअस है, निरंतर है, ना उसका प्रसारण निरंतर है। एक एक कोशिका को देखें तो एक कोशिका में भी क्रिया के रूप में क्या हो रहा है, तो संकुचन हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, न तो कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस है न एक्सपेंशन कंटिन्यूअस है। तो शरीर को हम पूरे शरीर को एक रूप में देखते हैं तो भी दिखता है कि सामयिक है, शरीर के अंगों को देखते हैं तो भी दिखता है कि सामयिक रूप से क्रियाशील है, एक एक अंग जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है उसको भी देखते हैं दिखता है कि सामयिक रूप से क्रियाशील है, और उन कोशिकाओं के भीतर भी देखें दिखता है कि सामयिकता है कि नहीं। मैं को देखते हैं दिखता है कि मेरी जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो निरंतर है, अधिक से अधिक इतना हो सकता है कि वो क्रिया अभी तक जागृत हुई है कि नहीं। ठीक, तो अगर अभी हम देखें तो कल्पनाशीलता के आयाम में हम क्रियाशील रहते हैं, मेरे अंदर आशा यानी चयन आस्वादन की क्रिया चलती रहती है, विचार यानी विश्लेषण तुलन की क्रिया चलती रहती है, इच्छा यानी चित्रण की क्रिया चलती रहती है। तो ब्लॉक B2 की जो क्रियाएं हैं जो कल्पनाशीलता की क्रियाएं हैं वो तो चल रही हैं, ब्लॉक B1 की जो क्रियाएं हैं अभी जागृत नहीं हुई है ना उसको, परंतु उनके होने का हमको पता लगता है, उसको जागृत करने के लिए हम ये सारा प्रयास कर रहे हैं, और एक बार जागृत हो जाए चलती रहती है। तो ये दिखाई दिया कि मेरी हर क्रिया निरंतर है, शरीर की क्रिया जो है वो सामयिक है। इस प्रस्ताव को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये स्पष्ट है, इतनी बात स्पष्ट है कि मेरी हर क्रिया निरंतर है, शरीर की हर क्रिया सामयिक है। नमस्ते।
जी भैया, एक इसमें शंका ये बन रहा है भैया कि जड़ में जब देखने जाते हैं तो उसके जो एटम्स हैं, उसके जो सब पार्टिकल्स हैं, तो चारों तरफ तो वो भी निरंतर घूम ही रहे हैं, तो उसकी जब क्रिया को देखते हैं तो वो भी ऐसा लगता है कि वो भी हो ही रहा है निरंतर। तो इसमें भैया, और चैतन्य में भी देखने जाते हैं तो ये भी निरंतर हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर नहीं समझ में आ रहा है, इसको भैया थोड़ा क्लियरिफाई कर दीजिए। ठीक बात है। तो अगर शरीर को देखते हैं तो शरीर जिसमें प्राण है उसमें तो आपको सामयिकता दिखाई देगी, ठीक है ना। जी बट जी शरीर जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, अगर उसको देखेंगे तो उसमें फिर सामयिकता को अलग प्रकार से देखना बनता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे जी जिन परमाणुओं से मिलकर अणु बने, जिन अणुओं से मिलकर प्राण कोशा बनी, ठीक, तो उन अणुओं में देखें तो ये दिखता है कि उनका अस्तित्व तो बना रहता है और क्रिया बनी रहती है, जी परंतु उन क्रियाओं से जो गठन हो रहा है उस गठन में सामयिकता रहती है, तो क्रिया टूटती रहती है, बनती रहती है, इस प्रकार से होता है। अगर परमाणु के स्तर पर देखें, परमाणु अंश टूटते हैं जुड़ते हैं, टूटते हैं जुड़ते हैं, तो सामयिकता को उस रूप में देखते हैं। परमाणु अंश बना हुआ है, परमाणु बना हुआ है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसमें कोई क्षणिकता नहीं है, परंतु जो क्रियाशीलता है उसके गठन में क्षणिकता है, टूटना फूटना लगा रहता है। ये बात हमको चैतन्य में नहीं दिखाई देती, मैं में नहीं दिखाई देती। तो अगर जी हम भैया जी, मानव की बात करें, मैं और शरीर, तो शरीर उसको कह रहे हैं जहाँ पे प्राण है, ठीक। अब शरीर जिन कोश से परमाणुओं से बना है, ठीक है, वो तो अभी जड़ प्रकृति का भाग है ही। तो अगर हम जड़ को देखें तो जड़ का अस्तित्व बना रहता है, ठीक, परंतु जी भैया उसमें जो क्रिया हो रही है उसमें इस तरह की परिवर्तनशीलता दिखाई देती है, रचना विरचना दिखाई देती है। तो ये जो रचना भी रचना है वहां पर अगर हम उसको पहचानने जाते हैं तो वहां पर सामयिकता है। तो डिपेंड करता है कि हम शरीर के स्तर पे बात कर रहे हैं या शरीर जिन जड़ परमाणुओं से मिलकर बना है उसकी बात कर रहे हैं। जी भैया जी, यानी कि मूल रूप में जो बना है उसमें भी निरंतर जड़ में भी क्रिया हो ही रही है, जो मूल रूप में बना है, हाँ, वो हो ऐसा रही है, बोल बट उसके सकते। गठन में परिवर्तन हो रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन हो रहा है। चैतन्य जी इकाई जी को देखें तो उसके गठन में परिवर्तन नहीं हो रहा, सेल्फ के गठन में परिवर्तन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा है कि सेल्फ में क्रियाओं का टूटना जुड़ना लगा हुआ है, जी जी ऐसा नहीं है, परंतु वहां पे ऐसा है। शरीर में भी देखें तो हमारी हर कोशिका, जैसा बताते हैं, 6 महीने में विसर्जित हो जाती है, मल के द्वारा त्याग हो जाता है उसका, कुछ भागों को छोड़ जी दे शरीर के तो बाकी का तो ऐसे ही रहता है कि कोशिकाएं बनती हैं फिर मल के रूप में निकल जाती हैं 6 महीने में, 8 महीने में, ऐसे, ठीक है ना। तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा कि गठन में परिवर्तन हो रहा है शरीर में, रचना विरचना चल ही रही है। तो ये बात हमको चैतन्य में नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए अभी मानव की बात कर रहे हैं तो मैं और शरीर, शरीर उसको कह रहे हैं जहाँ प्राण है, ठीक, वहां पे तो आपको क्षणिकता दिखाई देगी। परंतु यदि होने को देखें तो शरीर जिन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है वो बने हुए हैं, ठीक, चाहे शरीर के भाग रहे या न रहे, मल के द्वारा चला गया, मिट्टी में मिल गया, बना हुआ तो है ही कि नहीं। जी भैया, एकदम क्लियर हो गया। बताइए। हाँ भैया, ये जो कंस्टिट्यूशनल डिफरेंस है सेल्फ के रूप में और जो बायोमेटेरियल बॉडी है हमारा उसके रूप में, वो क्या है? और क्या हम स्पेस के भी कंस्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी स्पेस से बात नहीं करते हैं, स्पेस अभी है ना, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल में। जी स्पेस का जी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्पेस जब नो एक्टिविटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्टिविटी है कि भैया, वो नहीं? कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कोई स्वरूप, मींस बाउंड्रीज नहीं होंगी पर स्वरूप तो कुछ ना कुछ तो उसका, स्पेस का अपनी जो असीमित कहते है हैं। उसका रूप कैसे होगा? वो तो अरूप हुआ ना। हाँ जी जी भैया, अरूप हुआ, पर अरूप को मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो अभी जिन्होंने स्पेस पे रुक जी जाते हैं, रुकिए रुकिए, अभी जो सामने रुक उसकी जाते बात हैं। करते हैं, है ना। अभी जी देखिए जी क्या हुआ है, बहुत सारी चीजों को हम ले आते हैं परंतु हमारा जो स्वयं पे ध्यान जाना है वो शेष रह जाता है। तो मैं जी और शरीर, बिल्कुल इन दोनों को हम अलग अलग जी देख पा रहे हैं कि नहीं, जी मेरी जी आवश्यकता शरीर की आवश्यकता इसको हम अलग अलग देख पा रहे हैं कि जी नहीं, मेरी क्रिया शरीर की क्रिया इसको हम अलग अलग देख पा रहे हैं कि नहीं जी जी। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग स्पेस पे बात करेंगे, उस पर डिटेल में बात करेंगे भैया, जी। स्पेस को अभी मैं अलग रखते हैं। जैसा आपने कहा, अगर मैं बॉडी सेल्फ के कंस्टिट्यूशन
जो कि यूनिट है, और बायोमेटेरियल बॉडी जो मेरी है वो भी उसका यूनिट एक हो गया, जो आपने जैसे बताया रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग हो रहा है बॉडी के अंदर, और उसमें एड ऑन हो रहा है एज्यूमिंग वाला एलिमेंट जो है, और नोइंग वाला एलिमेंट जो मुझे अभी एक्सप्लोर करना है। तो अज्यूमिंग और नोइंग के एलिमेंट का कंस्टिट्यूशनल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ यूनिट क्या आ रहा है जो मुझे डिफरेंट बना रहा है मेरी बॉडी से इन टर्म्स ऑफ माइक्रो लेवल? डिफरेंस नहीं है, है ना? कंस्टिट्यूशन तो वहां है जहां पे आप एक्टिविटीज को देख रहे हैं, एक्टिविटीज आपस में कंपोज डिकम्पोज हो रही है या उनका कंपोजिशन है ना एक प्रकार से बना रहा है, तो कंस्टिट्यूशनल डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों अलग प्रकार की एंटिटी हैं। जो कॉन्शसनेस है, चैतन्य इकाई है, वो एक प्रकार की इकाई है, जो जड़ इकाई अलग प्रकार की इकाई है जी। तो जड़ इकाई में देखें तो उसमें मानने की क्रिया है नहीं, क्योंकि वो चैतन्य है नहीं, चैतन्य इकाई में मानने की क्रिया है जी। तो इसलिए क्रियाओं को जैसा वैसा देखना बनता है। तो जड़ क्रियाओं को देखेंगे तो वहां पे सब इच्छा विचार आशा नहीं दिखाई देती है। हाँ, जी भैया, ध्यान देंगे तो वहां इच्छा विचार आशा दिखाई देती है जी भैया। तो गठन के आधार पर यही कहें कि गठन के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, गठन पूरा हो गया है चैतन्य इकाई का, अब उसमें इस प्रकार से क्रियाएं हैं। तो भैया जैसे जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, जैसा जितना मुझे अभी तक समझ में आया यूएचवी के कंटेंट या अदरवाइज, अभी ऐसा करते हैं अभी हम जड़ चैतन्य को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, है ना? अभी तो मैं और शरीर को लेकर बात कर रहे हैं, तो उसको पहले ठीक से ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारे और डायमेंशन खुलेंगे जहाँ स्पेस की बात करनी होगी, है ना जी भैया, और जड़ चैतन्य के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी होगी। फिर क्या होता है, फिर हम विचार में ही रह जाते हैं। जी, तो अपनी ओर ध्यान देना है ना, अपने जीने में परिमार्जन होना है, वो शेष रह जाता है। तो अभी तो ये देखें कि मेरा अपनी ओर ध्यान जा रहा है कि नहीं, अपनी क्रियाओं पर ध्यान जा रहा है। जी भैया, यहाँ पर मैं एक चीज से तो मैं बहुत ही गदगद हूँ और बहुत ही उपकार मान रहा हूँ कि कन्वर्सेशन को, मतलब मेरे प्रश्न में जो मेरी कंपिटेंसी डेवलप हुई है आज इस प्रश्न को सीधा आपसे पूछने की, ये भी मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं बहुत अच्छा इसलिए मान पा रहा हूँ क्योंकि यूएचवी और आपके शर्मिला दीदी और जो गणेश भैया जो इसको इनिशियली उन्होंने प्रोपोगेट किया है और आगे लेके जा रहे हैं, वो वाकई में इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि ये प्रश्न पूछने की भी क्षमता विकसित हो गई है और सिंपल तरीके से। तो धन्यवाद भैया, आप सभी को बहुत बहुत उपकार दिया। जी भैया। बढ़िया भैया जी भैया, नमस्ते भैया। भैया वैसे मैं स्पेस की बात पे ज्यादा वो नहीं करूंगी, छोटा सा इनपुट चाह रही हूँ। भैया जैसे कॉन्शियस जो को एग्जिस्टेंस है, अगर अद्वैत में इसको देखें तो इसको हम कॉन्शियसनेस के तौर पे देखें या मटेरियल या मतलब को एग्जिस्टेंट प्रगतन है एग्जिस्टेंस का, मतलब क्लियर नहीं हुआ दीदी। जी भैया, जैसे हम अद्वैत की बात करते हैं ना, तो उसमें हम यही कह रहे हैं कि को एग्जिस्टेंस पे हमारा फोकस है, तो वो अद्वैत हम उस रूप में देखते हैं। तो लेकिन को एग्जिस्टेंस को भी कॉन्शियसनेस रूप के रूप में देखें या फिर मतलब पूरे एग्जिस्टेंस का कुछ प्रगटन है उस रूप में देखें, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है। भैया बाद में नहीं देखेंगे जी, कॉन्शियसनेस रूप में तो नहीं देखेंगे, वो सबमर्जेंस है, तो सबमर्जेंस ऑफ नेचर इन स्पेस, तो उसको हम उसके एक भाग के रूप में नहीं देखेंगे। उस सबमर्जेंस में स्पेस भी है, है ना, और कॉन्शसनेस भी है, मटेरियल भी है। तो जो कॉन्शसनेस और मटेरियल है वो सबमर्ज्ड है स्पेस में, उस सबमर्जेंस को कोएग्जिस्टेंस कह रहे हैं, तो उसको कॉन्शसनेस रूप में तो नहीं देखेंगे, उसमें शामिल है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस यानी चैतन्य भी संपृक्त है, जड़ भी संपृक्त है, और जिसमें संपृक्त है वो क्रिया शून्य है, जबकि जड़ और चैतन्य दोनों क्रियाशील है। तो इक्वेट तो नहीं करेंगे कॉन्शसनेस के साथ सबमर्जेंस को। जी भैया, क्योंकि जब अद्वैत वाली फिलॉसफी में जाते हैं तो ऐसा ही दिखता है कि वो कॉन्शियस ही लेते हैं सब, कॉन्शियसनेस ही है, वो ही मटेरियल के रूप में वो होती है, मतलब वो ठीक है भैया, सीधा सीधा दे, ये तो बहुत सारी फिलॉसफीज है खुद में। ठीक है भैया, मैं इसको और देख लेती हूं। जी धन्यवाद। बढ़िया दीदी। जी
अभी स्पेस से रिलेटेड कोई चर्चा हो तो उसको थोड़ा हम लोग आगे रखेंगे जब स्पेस को ओपन अप करेंगे। अगर हम रिस्पॉन्स को देखते हैं तो देखता है कि जो शरीर का रिस्पॉन्स है उसमें सिर्फ दो ही क्रियाएं शामिल है, पहचानना और निर्वाह करना, यानी एक निश्चित प्रकार से हर बार होती है। तो इकाइयां बनी हुई है, उनके साथ शरीर की परस्परता बनी हुई है, उसमें पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। शरीर को भी देखें तो एक अंग का दूसरे अंग के साथ पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, ठीक है ना, इतना ही है। और शरीर कई इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, एक सिंगल इकाई नहीं है, इकाई समूह के रूप में है। उनका परस्परता में पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, शरीर का प्रकृति के अन्य इकाइयों के साथ पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। अगर अपने आप को देखें, अपनी ओर ध्यान दें, तो दिखता है कि सिर्फ पहचानना निर्वाह करना नहीं हो रहा है, मानना भी हो रहा है। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें मानना शामिल ही होता है, बिना माने हम पहचानते ही नहीं है, अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। आप चल भी रहे हैं, कदम उठाते हैं, तो कुछ मान कर उठाते हैं कि धरती फटी हुई नहीं है, धरती समतल है और पैर रखने से है ना टिक जाएगा पैर वहां पे धरती पे, वो मान कर ही हम फिर पैर भी उठाते हैं कि नहीं। तो अपने आप को देखें तो हम कुछ मान कर ही पहचानना शुरू करते हैं, निर्वाह करते हैं। तो मेरी हर क्रिया में मानना मानना शामिल है, पर किस बात से पड़ता है कि जो मानना है वो जानने पर आधारित है कि नहीं। अगर जानने पर आधारित होता है तो मानना निश्चित होता है, मेरा पहचाना निर्वाह करना निश्चित होता है, मेरा आचरण निश्चित होता है। अगर जाना हुआ नहीं है तो हम रियलिटी के बारे में मान लेते हैं और जैसा मानते हैं वैसा पहचानते निर्वाह करते हैं। क्योंकि जाना नहीं है तो मानने में चूक हो रही है, क्योंकि मानने में चूक हो रही है इसलिए पहचाने निर्वाह करने में चूक हो रही है, इसलिए हमारे जीने में चूक हो रही है। तो अभी अपने को ये दिखाई देता है कि शरीर में तो निश्चित रूप से पहचाना निर्वाह करना हो ही रहा है, ठीक है ना, उसकी अपने को जानकारी मिल जाए तो उसके आधार पर हम कार्यक्रम बना सकते हैं। मुख्य मुद्दा ये मानने से जानने तक जानने का है, जाने का है। तो जो मानना है वो जानने पर आधारित हो जाए, तो मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, मैं और मैं का संबंध क्या है, ठीक, मेरा शेष प्रकृति के साथ संबंध क्या है, शून्य क्या है, मैं शून्य में किस प्रकार हूँ, ये सब जानने के मुद्दे हैं। जब इस पे ध्यान जाना शुरू होता है, दिखता है कि ये मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि इसी से मुझे सुख मिलता है, जानने से ही मुझे सुख मिलता है। फिर ये जब हमको अपना पूरा कार्यक्रम दिखाई देता है तो दिखता है कि ठीक है, इस क्रम में शरीर साथ में बना हुआ है, उसका मैं ध्यान रखता हूँ, उसके पोषण संरक्षण का ध्यान रखता हूँ, सदुपयोग करता हूँ, एक साधन के रूप में बना हुआ है। ये जो काम है, शून्य को देख पाना, स्वयं को देख पाना, संबंध को देख पाना, व्यवस्था को देख पाना, ये मेरा मुख्य कार्यक्रम है। तो दिखता है कि इसमें सुविधा का तो बहुत सीमित रोल है, इस चीज को देख पाने में सुविधा तो शरीर के लिए है। तो जितना जितना हम जानने फोकस होते हैं, ये जो सामने डायग्राम है ना, ये जो सामने टेबल बना हुआ है, और क्लियर होता जाता है हमको कि कहाँ हम अभी सुविधाओं में फंसे हुए थे, कहाँ शरीर में फंसे हुए थे। ठीक, शरीर तो एक साधन के रूप में है, ये जानने वाला काम है, ये बड़ा काम है, ये शेष रह गया है, इस पर मुझे ध्यान देना है, उस अर्थ में शरीर का सदुपयोग करना है, और शरीर के लिए सुविधा सीमित चाहिए उसको जुटा देना है, उसको उत्पादन कर देना है, पूरा कर देना है। तो हमारे पूरे जीने के विजन में, पर्सपेक्टिव में चेंज आता है कि जहाँ हम अपने आप को शरीर मानकर ठीक सुविधाओं में ही संलिप्त होते जा रहे थे, उसके स्थान पर अब हम जानने में लग गए तो ये हमको मैं और शरीर का जो सहस्तित्व है और ठीक ठीक स्पष्ट होता है। शरीर की जो क्रियाएं हैं, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं और ठीक ठीक स्पष्ट होती हैं, और फिर मैं अपनी क्रियाओं को विकसित करने पर ध्यान दे पाता हूँ। अधिकता कि ये मेजर प्रोग्राम है, ये प्राइमरी प्रोग्राम है मेरा, ठीक है ना, ये शरीर की सामयिकता क्षणिकता में मैं क्यों उलझ जाता हूँ, तो उसका मैं और बेहतर ढंग से ध्यान भी रखता हूँ शरीर का, शरीर के लिए सुविधा भी जुटाता हूँ, बट उसे उलझता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसकी सीमितता दिखाई देती है, सामयिकता दिखाई देती है, और जो संपूर्णता है वो तो जानने में है, तो मैं फिर संपूर्णता के लिए काम करता हूँ। तो दिखाई देता है कि मानव, मैं और शरीर, ये दो तरह की वास्तविकताओं का सहस्तित्व है। मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसका एक प्रयोजन है, प्रयोजन यह है कि मेरे अंदर जानने का काम पूरा हो जाए। अब मैं पूरी शरीर यात्रा का जब आकलन करता हूँ तो मैं इस अर्थ में करता हूँ कि जानने का काम कितना पूरा हुआ। इस शरीर को जो मैंने चाहा है 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल 90 साल, अल्टीमेटली मैंने शरीर का सदुपयोग किया कि नहीं किया जानने के अर्थ में, तो मेरा पूरा फोकस अब शिफ्ट होता है ना, समझ मेरी पहली वरीयता बन जाती है। जी बढ़िया,
तो यदि हम मानने के दायरे में ही जी रहे होते हैं तो समस्या में होते हैं, बिलीविंग एंड अज्यूमिंग। हाँ बिल्कुल, उसको हम सेम भी कह सकते हैं। और वैसे देखें तो अज्यूमिंग को एक्सेप्टिंग करना ज्यादा ठीक है ना। बिलीविंग में ऐसा होता है कि सिर्फ गलत ही होगा मानना, तो ऐसा नहीं है। या उसमें भी कहें कि सही बिलीफ हो सकता है तो भी ठीक है, तो बिलीविंग अज्यूमिंग को भी इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर जो डिस्कशन चल रहा था उसमें ऐसा कहा गया कि जो मैं हूँ, तो मैं यह तत्व जो है उसको हम आत्म तत्व से रिलेट कर सकते हैं क्या? जी, तो आत्मा शब्द का जो प्रयोग हुआ है ना, तीन प्रकार से हुआ है शास्त्रों हाँ, में। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, ये दो तो मुझको मालूम है कि नहीं, जो नहीं, हमारे शरीर से रिलेटेड है उसको हम जीवात्मा कहते हैं, और जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है तो उसको हम परमात्मा कह सकते हैं। तो और कुछ यानी ये हो सकता है क्या सर? देखिए, परमात्मा अलग रियलिटी है ना, उस पर हाँ, भी बात करेंगे हम लोग। आत्मा जिसको कहा जा रहा है, तो कई बार सेल्फ को डिनोट करने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। जो कॉन्शस एंटिटी है, चैतन्य इकाई है, उस पूरी चैतन्य इकाई के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, हुआ है ना? हाँ, बराबर। हाँ, उस रूप में भी हुआ है। दूसरे प्रकार से देखें तो जो चैतन्य इकाई में जानने का आयाम है, ज्ञान का आयाम है, ब्लॉक B1 है, उसके लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। ओके ओके, तो कहते हैं आत्मा शुद्ध बुद्ध है ना, जब कह रहे हैं तो वहां उसके लिए प्रयोग हुआ है। और आत्मा शब्द का प्रयोग जो अनुभव की क्रिया है उसके लिए भी हुआ है। ओके, इसलिए अभी आत्मा शब्द का प्रयोग ना करके हम सीधे सीधे सेल्फ की बात करें, एक्टिविटीज की बात करें, ताकि अर्थ ठीक ठीक चला जाए। ओके ओके, थैंक यू सर। और परमात्मा की अगर बात करें तो आत्मा जिस परम में संप्रिक्त है, शून्य, उसके लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। जी ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। बढ़िया दीदी। सर जहां तक भाई मैं मान रही हूँ, समझ रही हूँ, जो मेरी चेतना कॉन्शियस है, कॉन्शियस में डिजायर्स और फीलिंग्स और वो प्रैक्टिस है तो हम कर रहे हैं, पर हम लोग उस पे तो कंट्रोल है, पर ये कल्पना बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी बन रही है, कल्पना में बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी बन रही है। जी, तो मैं प्रश्न को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो कल्पनाशीलता तो कंटिन्यूअस है, उसमें समस्या नहीं है, है ना? और कंटिन्यूटी है, उसमें समस्या नहीं, पर उससे मेरी चेतना डिस्टर्ब हो रही है, ये कुछ ऐसा। अभी जो समस्या हुई है कि जो कल्पनाशीलता है वो मानने पे आधारित है, जो सामने लिखा हुआ है ना। हाँ जी, मानने पे आधारित है, उसको ज्यादा मानने लगी है, उसको ज्यादा पहचानती है। हाँ नहीं, बता रहे हैं इसको, तो मानने में गलती हो जा रही है क्योंकि जानना नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, कल्पनाशीलता अभी ज्ञान के आधार पर निश्चित नहीं हुई है, क्योंकि ज्ञान का काम पूरा नहीं हुआ है, तो जानना नहीं हुआ है, तो जानना नहीं हुआ है, तो मानना कुछ भी मानना हो रहा है, अनिश्चित है, इसलिए अभी समस्या में है। जी सर, सही, बिल्कुल सही है कि हमें, हमारे पास वो ज्ञान भी होना चाहिए इन चीजों के लिए। और क्या, उसी लिए तो सारा समय लगा रहे हैं। अभी हम समय जो लगा रहे हैं ज्ञान के लिए तो लगा रहे हैं, मान के तो हम जीते ही रहे हैं, है ना? और जब तक हम जान के जी रहे होते हैं, जी, जब कर हम मान के जी रहे हैं और जानना नहीं हुआ है तो हम समस्या में होते हैं। जैसे सामने स्लाइड पे बना हुआ है ना, जानना होता है तो हम समाधानित होते हैं। राइट सर, आप एक मिनट में कैसे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, हम लोग तो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, और आप आंसर दे देते हैं। बढ़िया दीदी, हम सभी को एक्सप्लोरर्स हैं, अपने आप में जांच रहे हैं, जीकर देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सबकी स्पष्टता बढ़ रही है। जी जी सर, स्पष्टता बननी, और ये ज्ञान से ही सब कुछ, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग और हाँ, चेतना को ज्ञान बहुत जरूरी है जी, तो उसकी जी, प्रक्रिया कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें उसमें हम वो ज्ञान को अर्जन करने के लिए ना, वो कंटिन्यूटी के ऊपर हमें ज्यादा वर्क करना है, वो प्रक्रिया ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, जहां तक मेरा भाई मैं समझ रही हूँ।
हाँ बढ़िया है। तो अभी देखिए, अभी आप जुड़ी हैं, अभी आप रोज सुबह सत्र अटेंड करी हैं, कल आपने बताया कि भाई साहब भी अब अटेंड करने लगे हैं, तो और अच्छी बात हो गई है। आप लोग वो तो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। जी जी बढ़िया दीदी। जी जी कोई बात नहीं, अभी देखिए अभी आपके पास काफी समय है, 40 साल और है कम से कम काम करने के लिए, कि नहीं अपने ऊपर भी और समाज के लिए भी। वो तो बॉडी जितना कहेगी, अलाउ करेगी, उतना ही कर पाएंगे वो, फिर इतना तो उतना। देखिए अच्छी बात है कि जानने काम तो बेड पे लेटे लेटे भी हो सकता है ना, भागीदारी भले थोड़ी कम हो जाए। एक बार प्रस्ताव ठीक से, भागीदारी बहुत जरूरी है सर। मैं जहाँ तक मानती हूँ भागीदारी होने से ही फैमिली में भी देखो मैटर सॉल्व होते हैं, और फिर उसके साथ ऑब्वियसली आसपास के भी लोग सोचने समझने लगते हैं इनके मैटर कैसे सॉल्व हो गए। तो वो एक क्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया में फास्ट वर्क करती है सर, वो उसका अंदाजा मेरे को लगता है हम लोग भी नहीं लगा सकते कितनी फास्ट होता है वो ऑटोमेटिकली। भागीदारी से गति अच्छी बनती है, और जब तक ये शरीर ठीक से सहयोग कर रहा है ना, साधन के रूप में काम कर रहा है, इसका पूरा सदुपयोग कर लिया जाए ताकि ज्ञान का काम पूरा हो जाए, कि नहीं? राइट, बिल्कुल सर। सर हाँ जी, सर आपसे बात करके बहुत ऐसे मन को ऐसा लगता है हाँ रिलैक्स हो गया माइंड की। हाँ जो हम कॉन्ट्राडिक्शन में जाते हैं तो वो एकदम से ऐसे बातचीत करने और लोगों के साथ सुनना और उन लोगों को भी समझना कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम लोगों के एक रास्ता मिलता है ना उनकी भागीदारी से, जो हमारी चेतना को रास्ता मिलता है वो बहुत बहुत कहते हैं उसके शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। भागीदारी जरूरी है यहाँ पर, सबकी भागीदारी जरूरी है, जहाँ जो भी हम इससे जुड़े हुए हैं डेली कॉन्टिन्यूटी में भागीदारी, ये भी बहुत जरूरी है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आप टीम के पार्ट हैं है ना, और आप देखिए और किस तरह से आप भागीदारी कर सकते हैं, अलग से भी बात कर सकते हैं। जी ओके जी बढ़िया, थैंक यू सर। बढ़िया दीदी। भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि जानना मानना पहचानना निर्वाह करना ये सेल्फ के रिस्पॉन्सेज हैं, है ना? जी। और ये मानव के सेल्फ के रिस्पॉन्सेज हैं, और पशु में अगर देखें तो मानना पहचानना निर्वाह करना उनके भी सेल्फ का एक रिस्पॉन्स है। तो मेरा ये क्वेश्चन है भैया कि अगर हम मानव में आ गए हैं, मतलब मानव शरीर पा लिए हैं, तो ये नोइंग वाला जो पार्ट है ये अभी तक मतलब ऐसे स्लो प्रोसेस में क्यों चल रहा है, या इमीडिएटली क्यों नहीं खुल जाता कि हम सब कुछ जान जाए, अस्तित्व को जान जाए, जबकि हमारे पास दो वैभव भी हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर ये श्रेणी हमको मिल गई है तो ज्ञान भी हमको आ जाना चाहिए, तो उसमें इतना टाइम क्यों लगता है? ये भी देखिए टाइम लगता है सर, मेजर कारण तो ये है कि हम तो वही करते हैं जिसमें हमको सुख लगता है, और अभी हमको ये दिखा नहीं है कि ज्ञान से सुख है, तो हम अभी बाहर से कुछ पाकर सुखी होने में लगे रहते हैं, तो बहुत सारा समय उसमें निकाल देते हैं, इसलिए समय ज्यादा लग जाता है। तो हमको दिखने लगे कि अल्टीमेटली ज्ञान से सुख है, तो ज्ञान पे समय लगाएंगे। अभी हम देखें ना दिन भर में कितना समय, 24 घंटे में हम कितने क्षण भी अस्तित्व को जैसा वैसा देखने के लिए लगाते हैं। अभी है ना, आप पाएंगे सेशन पूरा होता है, हमारे पास पूरी दिनचर्या का एक सेट रूटीन रहता है, हम उससे बिजी हो जाते हैं, फिर हम उस निर्वाह में बहुत सारा समय लगाते हैं, उस निर्वाह के पीछे जो मानना चल रहा है उसको भी कई बार हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो जानना शेष ही रह जाता है। सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये सब समझ रहे हैं, सब कुछ थ्योरी पार्ट में है, पर जब प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो फिर वही अपनी स्टेट में पहुंच जाते हैं वापस से। जी जी, तो प्रायोरिटी नहीं बनी है, प्रायोरिटी धीरे धीरे बिल्डअप होती है, जब हमको उसमें सुख दिखने लगता है। तो क्या है, एक बार हमको ज्ञान का सुख मिलने लगे, कोई भाव का चिंतन हो जाए, व्यवस्था स्पष्ट हो जाए, उसका जब सुख मिलने लगता है, ठीक है ना, तो फिर हम और आशान्वित होते हैं कि हाँ यहाँ सुख का एक निश्चित स्रोत है, उससे पहले हमको आशा भी नहीं बनती है, तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं, और चूंकि हमारा अभ्यास आस्वादन का है और उसका आस्वादन हुआ नहीं, तो हम लौट के फिर बाहर की चीजों से सुख पाने में लग जाते हैं। तो हम आस्वादन में तो भी जागृत हैं, तो आस्वादन के लिए काम कर रहे होते हैं,
अब आस्वादन सुख का ज्ञान से होगा यह भी हमको झलक मिली नहीं है, बट बाहर से कुछ मिलता है उस समय आराम जरूर पा लेते हैं कई बार समय समय पर, तो हम थोड़ा अपने ऊपर काम करते हैं फिर बाहर की ओर भागते हैं कि चलो है ना, अंदर तो बहुत हमारे पास थे नहीं, बिल्कुल वैसी है जैसे कि एक चूहे के साइड में यहाँ पे रखा है काजू, यहाँ रखा है किशमिश, तो क्या चूज करे, तो वही वाला चीज हो जाता है। थैंक यू भैया। जी जी बढ़िया दीदी। भैया बस ऐसी एक प्रश्न आया था मन में कि जब हमारे संपूर्ण जीवन यात्रा का जो पर्पस है प्रायोजन है वो जानना ही है, जिसको शायद रियलिटी को यदि हम समझ लें तो उसको मोक्ष कहते हैं, तो आखिरकार ये हम भ्रम की स्थिति में जिसके कारणवश ये अज्यूमिंग वाला जो पार्ट रहता है ये होता ही क्यों है, हम भ्रम में भी क्यों रहते हैं, क्यों हम इसका भी क्या कोई पर्पस है? देखिए ये एक निश्चित रूप से विकास क्रम दिखाई देता है कि ये विकास हो रहा है सेल्फ का, तो सेल्फ है ना जिस स्थिति में है अभी वहां ज्ञान नहीं हुआ है तो मान कर जी रहा है, सेल्फ में मानने का पोटेंशियल है ही तो मानना तो चलता ही रहेगा, और जानने का पोटेंशियल है बट जानने पे भी ध्यान नहीं गया है, तो हम जहाँ खड़े वहां से चलना शुरू करते हैं, तो हम शरीर यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे साथ मानने क्रिया तो जुड़ी हुई है, तो मानकर हम चलना शुरू करते हैं, और फिर जब हमको निर्वाह करने में दुख मिलता है, समस्या होती है या अपने आप में भी हम आराम नहीं पाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर जानने के लिए इच्छा विकसित होती है कि जानना जरूरी है, उसमें भी कई बार ऐसा लगता है अगर मानने से काम चल जाए तो हम चलाते रहते हैं, जैसे अगर अपने आप को शरीर मान कर जी रहे हों ठीक, और अनुकूल संवेदना मिल रही है, अनुकूल भाव मिल रहा है आसपास से, हमको लगता है बढ़िया चल रही है लाइफ, क्या जरूरत है जानने की, बट जब वहां पे अनुकूलता नहीं मिलती है तो हमारे अंदर प्रश्न खड़े होते हैं, तो हम तो वहां से चलना शुरू करते हैं जहां हम अभी खड़े हैं, जो हमारी आज की स्थिति है, उसमें अगर हमको लगता है काम चल जा रहा है आराम है तो ठीक है, अगर लगता आराम नहीं है ना तो फिर हम उसको जानना शुरू करते हैं, जैसे अभी शरीर स्वस्थ बना हुआ है ठीक है, तो शरीर को हमने लिटा दिया, खिला दिया, पिला दिया, टहला दिया, लग रहा बढ़िया चल रहा है, क्या समस्या है, अब वही शरीर में किसी अंग में कष्ट हो जाए तो हमारे प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना, शरीर गया तो मैं गया ऐसा है क्या, या शरीर नहीं जाने पे, शरीर जाने पे मैं बना रहूंगा ऐसा है क्या, अब वो बहुत सारी चीजें सोचना शुरू करते हैं, तो हमारे अवेयरनेस का जहाँ पे अभी विकास हुआ है उसके अनुसार हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, हो सकता है कि हमको अभी ये जिज्ञासा बन जाए कि जिस शरीर के साथ मैं बैठा हुआ ये मैं ही हूँ या इससे भिन्न हूँ, तो अभी ध्यान दे लेंगे, नहीं तो हम अभी बैठे हुए हैं है ना, हमको लग रहा है इसमें कोई ध्यान देने का मुद्दा नहीं है, बढ़िया है, तो हमारी प्रायोरिटी नहीं बन पाती है, प्रायोरिटी बनती है तो फिर हम देखते हैं, अब प्रायोरिटी कैसे बने, या तो स्वयं की प्रेरणा से बने, हम खुद ही क्वेश्चनिंग शुरू कर दें ये क्या है ये क्यों है ठीक, या फिर बाहर से जब प्रतिकूलता मिलती है तो उसके दबाव में आकर उसके प्रभाव में आकर हम कुछ फिर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो ये तो अपने ऊपर है कि अभी हम जैसे ये प्रस्ताव जो जा रहा है उसको हमने कई बार सुना ही है ठीक, बट अभी भी एक एक शब्द पे ठहर के ध्यान देने के लिए बहुत सारा काम दिखाई देता है कि नहीं। जी 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 बढ़िया भैया, तो यदि हम मानने के दायरे में जी रहे हैं तो समस्या में होते हैं ठीक, जानना सुनिश्चित हो पाता है तो हम समाधानित होते हैं, तो जानने का मतलब है कि वास्तविकता जैसी है उसको संपूर्णता में शुद्ध दृष्टा के रूप में देख पाना, जान पाना, तो हमें प्रस्ताव मिला था इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में, उसको और हमने स्टडी किया UHE 2 में, अब इसमें जो मेजर एम्फेसिस रहेगा वो सीधा सीधा देखने पर रहेगा, तो सूचना हमें मिली है, प्रस्ताव मिला, हमने विश्लेषण किया है, वो भी महत्वपूर्ण है, एक तो सूचना पूर्णतया मिलना, पूर्णता के साथ मिलना जरूरी है, फिर जैसी सूचना मिली है या सामने से आई है वैसी हम रिसीव किए नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूचना हमारे सामने से आती है बट हम उसको मिक्सअप कर लेते हैं कई बार अपने मानने से जोड़कर, फिर उसको हमने विश्लेषित किया है ये भी जरूरी है, ये भी देखा रैशनल है कि नहीं, वेरीफाइबल है कि नहीं, है ना, यूनिवर्सल है कि नहीं, ये सब हमने जरूर अपने आप में एनालिसिस करके देखा है, फिर उसके आधार पर जीने का स्वरूप क्या होगा उसको हमने इमेजिंग भी किया है कि अगर ये बात समझ में आ जाए तो मैं सुखी होऊंगा कि नहीं, समृद्ध होऊंगा कि नहीं, परिवार में सुख बढ़ेगा कि नहीं, ये सब हम लोगों ने अभी तक किया, जो शेष रह गया है कि इसको जैसा वैसा देख लिया जाए,
है ना, ये भाव को जैसा वैसा देख लिया जाए, ये जो मैं है उसको जैसा वैसा देख लिया जाए, जो शरीर और मेरा जुड़ाव है उसको जैसा वैसा देख लिया जाए, स्पेस है उसको जैसा वैसा देख लिया जाए, ये काम अभी शेष है। और ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि ये सुबह का हमने 4 महीने सत्र अटेंड कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें हमारी प्रायोरिटी बनती जाती है और फिर हम उसको देख पाते हैं। अगर प्रायोरिटी नहीं बनी और हम अपने ऊपर दबाव बनाते हैं देखने का, तो कई बार उसके साथ ये भी सब हम और परेशान हो जाए, तो वो भी नहीं करना है। तो अल्टीमेटली इस प्रस्ताव को ठीक से सुन पाना, उसको अपने सहस्य के आधार पर जांच पाना और उसको जीने से जोड़कर देख पाना, उससे हमारी प्रायोरिटी बनती है कि नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत सारे मोमेंट्स हम स्किप कर जाते हैं, जैसे अभी हम सुबह चर्चा कर रहे हैं तो हमारा ध्यान ज्यादा बारीकी से जा रहा है, वर्कशॉप हम लोग ले रहे होते हैं तो ज्यादा बारीकी से ध्यान जाता है, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं ज्यादा बारीकी से ध्यान जाता है, और बाकी समय हम स्किप करते रहते हैं तो घंटे घंटे निकल जाते हैं, दिन दिन निकल जाते हैं, ये हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, तो उससे फिर हमारी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको जैसा है वैसा शुद्ध दृष्टा के रूप में देखा जाए। शुद्ध दृष्टा मतलब बिना कुछ मिलावट किए। तो आप आएंगे जिस क्षण में मैं शुद्ध दृष्टा के रूप में वास्तविकता को देखता हूँ, उस क्षण तो ये शब्द भी नहीं रह जाते हैं, मैं हूँ और वास्तविकता है और जैसा वैसा मैं उसको देख रहा हूँ। इसको जानना कहा, इसको ज्ञान कहा। एक और बात महत्वपूर्ण है कि जानना और जानकारी लेना ये दो अलग चीजें हैं। जानकारी लेना तो सूचना है, हमने जानकारी ले ली है ना कि धरती गोल है कि चिपटी है कि जीवाइड है, ये हमने जानकारी ले ली, ठीक। अमेरिका में कौन सा शहर कहाँ बसा हुआ है, तट के किनारे है, ईस्टर्न तट पे है कि वेस्टर्न तट पे है, ये हमने जानकारी ले ली, ये सब जानकारी है, सूचना है। जानना उससे अलग मुद्दा है। जानने तो मतलब कि जो बना ही हुआ है उसको जैसा वैसा मैं देख रहा हूँ, तो जानकारी तो कल्पनाशीलता में है, जानना मैं में होना है, ज्ञान क्या में होना है, ब्लॉक B1 में होना है। तो इसमें आप पाएंगे इसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। मैं एक बार जान पाता हूँ सभी वैसा ही जानते हैं। तो मानने का मतलब कि जो मैं इस वास्तविकता के बारे में पहले से एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ, स्वीकार करके चल रहा हूँ कि ऐसा है। जैसे हो सकता है हमने स्वीकार लिया कि भाई मानव शरीर ही है, ठीक, संबंध तो मेरा वही परिवार के 4-6 लोगों से है, पति पत्नी बच्चे, बाकी लोगों से हमको क्या लेना देना, और इनके लिए जितना सुविधा जुटाएंगे उतना घर में सुख बढ़ेगा, ठीक, बच्चे की हर इच्छा पूरी करेंगे तो बच्चा लायक हो जाएगा, ठीक, उसकी जितनी इच्छाएं पूरी करेंगे उतना हमारा संबंध अच्छा होगा कि नहीं, जितनी अनुकूल संवेदना जुटाएंगे घर में उतना घर में खुशहाली आएगी, ये सब मानना है जो हमने जाने बगैर मान लिया है, ये सब हमारे अंदर मान्यताएं बन गई हैं। फिर हमने बाकी के बारे में मान लिया, ये सब समाज जो है विरोधी है, ये सब हमारे सुख में बाधक है, इनका सबका शोषण करना है, इन पे शासन करना है, इन पे विजय पानी है, इनकी छाती पर चढ़ के बैठ जाना है ताकि हम सुखी हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, कि नहीं, ऐसी मान्यताएं रही हैं, तभी तो लोग विश्व विजय के लिए निकलते हैं कि नहीं कि पूरी धरती पे हम ही शासन करें और कोई ना रहे। तो बहुत सारी मान्यताएं हम बना लेते हैं, किस अर्थ में, सुख के अर्थ में, हमको लगता है तब सुखी होंगे, अभी नहीं हुए, पूरी धरती पे हम विजय कर लेंगे तब सुखी होंगे, धरती के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे तब सुखी होंगे, या मेरा शरीर धरती पे सबसे आकर्षक हो जाएगा तब सुखी होंगे कि नहीं। तो अभी हम बहुत सारी चीजें मान लेते हैं और उसको लगे लगे रहते हैं, पूरी शरीर यात्रा निकाल देते हैं, पूरी हम अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं, बच्चे भी उसी में लग जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही कार्यक्रम चलता रहता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मानने की क्षमता हम में है, अगर जानने पे ध्यान ना जाए तो ये मानकर सुखी होने में तो हम पूरी शरीयत लगा ही देते हैं, अपना भी लगा देते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का लगा देते हैं, उनको ट्रेन भी करते रहते हैं कि यही सुख है कि नहीं, पूरी पूरी वैसे ही सभ्यता बन जाती है, ये प्रचलित मान्यता बन गई, सुविधा ही सुख है, ठीक है। मानव तो शरीर मात्र है, प्रकृति तो अस्तित्व तो जड़ मात्र है, ये शेष प्रकृति तो मानव के भोगने के लिए है, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हम बना लेते हैं। तो ये मानना है, मानना जानने के आधार पे भी हो सकता है, जानने के अभाव में भी हो सकता है, जो मैंने इतने सारे उदाहरण दिए सब जानने के अभाव में है। जान पाता हूं तो दिखता हूं कि अरे है ना, अभी जितना सारा कुछ हमने माना हुआ था ऐसे बेहोशी मान लिया था, मानव शरीर नहीं है, मानव तो मैं और शरीर का अस्तित्व है,
अब मैं इसको स्वीकार पाता हूँ। तो जानने से क्या होता है, मेरा मानना जानने पे आधारित हो जाता है और उसमें निश्चितता हो जाती है, निरंतरता हो जाती है, उसकी स्वीकृति बन जाती है कि ऐसा ही है। तो पहले कुछ और माने हुए थे, अब सही मानने लगे। और जैसा हम मानते हैं वैसा हम पहचानते हैं। पहचानना मतलब संबंध को पहचानना, परस्परता को पहचानना। तो वास्तविकता के साथ, मानव हो, शेष प्रकृति हो, मेरा शरीर हो, ठीक, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, इन सबके साथ हम संबंध को पहचानने लगते हैं। अब पहले मानने के आधार पर सिर्फ पहचान रहे थे, अब जानना और मानना दोनों हो गया, तो सही पहचानते हैं। सही पहचानते हैं तो सही निर्वाह करते हैं। निर्वाह मतलब उसके अनुसार जीना, ये निर्वाह है। नहीं भैया, नेक्स्ट कर दीजिएगा। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी नमस्ते भैया, इसमें अभी यही जानने के आधार पे जीने के लिए पहले वाले उससे आ रहा था कि हम लोग जो अवेयरनेस जो खत्म हो जाती है, या इसके लिए जैसे रेगुलरिटी जो इस यात्रा को ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उनके थोड़े अनुभव जैसे मिलते रहते हैं, तो इस पे ये जानना चाह रही थी हूँ कि जो प्रतिदिन की जो चेकिंग है सेल्फ को बार बार होशपूर्ण जीने की, तो वो हमारी गति को हम जांच पाते हैं। उस गति को जांचने के लिए जो हमारी कहें निरंतरता, हमको प्रॉब्लम यही आ रही है सबसे बड़ी कि हम जानना तो चाहते हैं, अपने आप को बारीकी से जांचना तो चाहते हैं, लेकिन वो निरंतरता नहीं रह पाती है। और निरंतरता के अभाव में फिर ये होता है कि वो शेड्यूल पूरा जो क्रम से चल रहा था वो बिगड़ जाता है। तो जो भी अनुभवी जो लेवल 3 कर गए हैं, जो लेवल 4 पे पहुंच गए हैं, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए ऐसा कि हम उसकी निरंतरता को बनाए रखें। जी देखिए, वहां पे आप देखिए कि निरंतरता जहाँ भंग हो रही है आपकी, जहाँ आपका कहीं और ध्यान जा रहा है, तो उस क्षण में आपके अंदर क्या भाव होता है, तो आप पाएंगे कि उस क्षण में हमको कहीं बाहर सुख लग रहा है तो हम वहां ध्यान देने लगते हैं। जी, तो हमको दिखाई दे कि निरंतर सुख का आधार तो यही बनेगा ज्ञान, तो उस पर हमारा ध्यान बना रहता है। फिर उसी ज्ञान के साथ हम ध्यान भी देते रहते हैं, उसके आधार पर हम फिर आगे जीने की योजना भी बनाते हैं। परंतु ऐसा हो सकता है कि अभी हमारे मानने में बहुत सारी चीजें पहले से बैठी हुई हैं और हमको लगता है कि इस ज्ञान में तो पता नहीं सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट जो बाहर संवेदना मिल रही है इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। हमको जहां आराम लगता है, जहां हमको सुख मिलता है, हम उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये संवेदना को भी लेकर के मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा था, मैं बहुत दिन से इसको आपसे क्लियर कराना चाह रहा था कि जो हम भावों का सुख ले रहे हैं सामने वाले से या किसी भी व्यक्ति से, हम जब भाव का सुख लेते हैं और हम तो भाव रखते हैं, सामने वाले में वो भाव नहीं होता है, या फिर सामने वाले में वो भाव होता है, हम उसे वो भाव नहीं दे पाते हैं, तो ये जो भावों का जो सुख है सेल्फ में, वो एक में अभाव है और दूसरे में वो भाव है, तो ऐसी स्थिति में जो समस्या बनती है वहां थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ऐसी कोई स्थिति आई, ठीक है ना, अब इस क्षण में हमको लग रहा है कि मेरे अंदर तो भाव है, अगले के अंदर अभाव, अब हम क्या करें, तो इस बात से हम परेशान हुए कि अगले के अंदर अभाव है, अब क्या करें। अब अगले के अंदर भाव कैसे सुनिश्चित हो इसका ज्ञान मुझे नहीं है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, उसके अभाव से संघर्ष करने लगता हूँ। तो आप जो कह रहे ना कि कैसे ध्यान हट जाता है मेरा, तो उस क्षण मेरे पास समाधान नहीं है कि इस व्यक्ति के अंदर जो अभाव है इसको कैसे दूर किया जाए, तो मैं फिर उसके अभाव संघर्ष करने लगता हूँ, विचारों में पहले करता हूँ, फिर कई बार व्यवहार में करता हूँ। अब मेरी निरंतरता वहां है ना नहीं बन पाती है, जो मेरा अभी प्रयास था ज्ञान के लिए वो फिर किसी और दिशा में चला गया, क्योंकि उस क्षण में मुझे स्वयं में आराम पाने के लिए अर्थ में अगले के समझ के अभाव के साथ क्या कार्यक्रम बने ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, यही समस्या समय लगा रहे जी, तो समय तो इसी लगा रहे ना, ये जो डायग्राम है सामने, कि नोइंग हो जाए, हमको दिखाई दे जाए कि अगले के अंदर अभाव तो है परंतु उसकी सह स्वीकृति बिल्कुल वही जो मेरी है, उसमें उस भाव को पूरा करने का क्षमता भी है कि नहीं, और उस भाव को पूरा करने का निश्चित कार्यक्रम भी है, ये आश्वस्ति हमें नहीं होती है, तो हम फिर उसके अभाव के साथ हम संघर्ष करने लगते हैं, ऐसा हो जाता है।
जी ठीक है बसंत जी। भैया भाव बना, दूसरे में भाव बनाया जा सकता है कि? देखिए पहले अगर हमारे अंदर भाव बनता है ना, यानी कि हमारे अंदर भाव सही सुनिश्चित होता है, तो उस भाव के साथ स्वयं में बनकर बने रहकर आराम पाते हैं, ठीक। फिर उस भाव को शेयर करते हैं, अगला व्यक्ति भी उसी भाव में जीना चाहता है जिसमें सुख की निरंतरता हो। तो जब हम उसका शेयर करते हैं वो भाव, तो उसको कहीं ना कहीं उस सुख का भास मिलता है, उसको पता लगता है कि अच्छा इसमें भी सुख है, ठीक। तो फिर उसका ध्यान जाता है, जब ध्यान जाता है तो ध्यान देता है, ध्यान देता है तो उसको भी बात दिखने लगती है, क्योंकि अस्तित्व तो उसको भी वही उपलब्ध है जो हमें उपलब्ध है। तो बिल्कुल दूसरे में भाव विकसित हो सकता है। अगर हम अभी देखें तो हम सब एक दूसरे के अंदर सही भाव सुनिश्चित करने के लिए तो साथ साथ समय लगा रहे हैं। भैया एक्चुअली परिवार में यही सबसे बड़ी समस्या है। सुविधाएं तो सबके पास पर्याप्त हो गई हैं, लेकिन जहाँ परिवार में भाव का जो अभाव आ रहा है, तो वो एक दूसरे से जो भाव चाहना चाहते हैं वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो वो अभाव के चक्कर में सारे संबंधों सुविधाओं का सुख भी नहीं ले पा रहा है, और भाव के अभाव के कारण वो अपने आप में परेशान भी बना रह रहा है। तो इसी पे मेन हमको कार्य करना था आगे की, कैसे भाव को सुनिश्चित। हाँ, इसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि एक तो हम अपने लिए निश्चित कार्यक्रम बनाए, दूसरे हम परिवार की सीमा को 8-10 लोगों में ना देखें, पूरा विश्व ही परिवार है। तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो भाव का भाव हो जाता है दूसरे के प्रति, तो हमको दिखाई दे कि हर मनुष्य मेरा संबंधी है। तो एक संयोग की बात है कि मैं इस परिवार में जन्मा, इनके साथ में अभी तक जिया, बट संबंध तो मैं का मैं से है, धरती के हर मानव से है। तो इनके लिए जितना भी समय लगाना उनको आवश्यक लगता है उतना मैं लगाऊंगा, शेष समय मैं पूरे विश्व परिवार के लिए लगाऊंगा, तो हम फिर अपने आप में परेशान नहीं होंगे, है ना। बढ़िया भैया। तो ये दिखाई देता है कि जब हम मानने से जी रहे होते हैं, हमारे बहुत सारी प्री कंडीशनिंग यानी मान्यताएं बनी रहती हैं जानने के अभाव में, और मान्यताएं बदलती रहती हैं कि नहीं। अभी हम भी देखें तो जब जितना अभी हमने जिया है उसमें हमारी मान्यताएं कई प्रकार से बदली हैं, बदलती रहती हैं समय के साथ, क्योंकि जानना नहीं हुआ है तो अनिश्चितता रहती है। कभी एक बात को सुख मानते हैं, कभी दूसरी बात को सुख मानते हैं। छोटे बच्चे थे तो चॉकलेट को सुख मानते थे, और बड़े हुए खिलौने को सुख मानते थे, और बड़े हुए है ना पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने को सुख मानते हैं, और बड़े हुए पैकेज को सुख मानते हैं, और बड़े हुए कुछ और मान लेते हैं। तो मान्यताएं बदलती रहती हैं, इसलिए हमारा आचरण निश्चित रहता है। जानना होता है तो हम अपने सहज स्वीकृति के आधार पर जांच पाते हैं, उसको जी कर देख पाते हैं, ठीक। और जानना हुआ है तो हमारा जो स्वीकृति है मानना है वो निश्चित बना रहता है। तो जानने के अभाव में परतंत्र होते हैं, पर माने दूसरा, तो दूसरा हमको तंत्रित करता है, दूसरा हमको प्रभावित करता रहता है। स्वतंत्र मतलब हम स्वयं में व्यवस्थित रहते हैं। तो पूरा काम यही है कि हम स्वयं में व्यवस्थित हो जाएं, स्वयं में व्यवस्थित होकर दूसरे के साथ भागीदारी करें। स्वयं में व्यवस्था अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। अगर मानने में होते हैं तो स्वयं में अव्यवस्थित रहते हैं और बाहर अव्यवस्था पैदा करते रहते हैं, या बाहर की अव्यवस्था से खुद अव्यवस्थित और ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां से निकल कर हम स्वयं में व्यवस्थित हो जाएं, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर पाए, ये जो काम है ये शिक्षा का है। कि क्या नोइंग टाइम डिपेंडेंट है? तो नहीं, नोइंग में कोई डिपेंडेंस नहीं है। नोइंग का मतलब तो वास्तविकता को जैसा वैसा देखना, इसमें तो कोई डिपेंडेंस हो ही नहीं सकता। बढ़िया भैया, यशवंत भैया समय हो चला है, हम लोग अभी क्लोज कर सकते हैं। कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, कल आपके प्रश्नों से बात शुरू करते हैं।